हाय गाइस, ट्रॉफी खेल डी में आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज आपको स्वस्थ रहने के ट्रिक बताऊंगा, टिप्स स्वस्थ रहने के लिए। आखिर क्या करें कि हमको कभी यार दवाइयां खाना ही ना पड़े, क्या करें। अक्सर हम लोग देखते होंगे यार, बहुत सारी चीज़ें हम खाते पीते हैं, फल फ्रूट्स मतलब जो भी चीज़ें हम अपने हिसाब से स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर होता है वही चीज़ें खाते हैं। ये रियल बात है, हर कोई यही करता है, मैं ही नहीं आप भी यही करते होंगे कि इस तरीके से हमको खाना पीना है, यही चीज़ खाना पीना जो हमारे शरीर को लगे और हमको स्वस्थ रखे। तो यार क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए क्या नहीं, आज इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो पे एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी प्रेस करने के बाद ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो यार क्या करना होगा हमको, आज पहली बात आपको बता दें पानी पीने के बारे में। पानी पीना बहुत ही अच्छी बात है। एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 24 घंटे में, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आप को मेंटेन और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 24 घंटे में कम से कम आप 5 लीटर के ऊपर ही पानी पीजिए, कम से कम न्यूनतम 5 लीटर ही तो कम से कम पीजिए ही। और सुबह में पानी पीने की वही बात कर ले तो सुबह में आपको कम से कम गुनगुना पानी 1 गिलास पीना चाहिए। गुनगुने पानी की बात कर रहा हूँ गाइस, सुबह में 1 गिलास खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आपको 3 बीमारियों से बचना है, एकदम निश्चित है। कोई दिक्कत कभी तो आपको आजीवन गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज सही है। आपके स्किन पे कभी झुर्रियां नहीं बनेंगी, आपका स्किन एकदम हेल्थी दिखेगा और आपके अंदर एकदम ताजगी रहेगी। जिस हिसाब से जानवरों में देखते हैं, किसी जानवर को आप देखते होंगे कितना दौड़ता भागता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम वही कंडीशन आपके अंदर रहेगी। कहने का मतलब ये दोस्त कि आप अपने आप को हमेशा फुर्त महसूस करेंगे, ये पानी पीने के ट्रिक्स हुए। अब वही खाना खाने की बात कर ले तो हम खाना यार जब भी हमको भूख लगती है बेशक खाते हैं खाना, उसमें तो कोई बात नहीं है, हम कभी भी खाना खा लेते जब भी भूख लगती है। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, खाना खाने के भी ट्रिक होते हैं। अब आप बोलोगे यार खाना खाने के कौन से ट्रिक, तो खाना खाने के ट्रिक होते हैं दोस्त। पहली बात, आप सुबह में नाश्ता कीजिए, जैसे मैं बताया आपको गुनगुना पानी पीने के बाद आप कुछ नाश्ता कीजिए। चाय तो बिल्कुल ही मत पीजिएगा, चाय बिल्कुल ही मत पीजिएगा। अगर आपको, बहुत से लोगों में ये समस्या पाई जाती है अगर वो चाय सुबह ना पिए तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो हल्का सा 2 घूंट चाय ले लीजिएगा जिससे कि आपकी तबीयत मेंटेन रहे। उसके बाद आप नाश्ते में पराठा ले लीजिएगा, घी का बहुत ही बेहतरीन काम करता है दोस्त। जिस तरीके से आप ब्रेड रोज खाते हैं चाय के साथ, उसी तरीके से अगर पराठा खाएं तो बहुत बेहतरीन आपके शरीर को लाभ पहुंचाएगा। अब मैं यही बात कर लूं खाने खाने की बात, तो खाना आप यार 11 बजे या 10 बजे खाइए। जब भी खाना खाइए इतना खाना मत खा लीजिए कि जैसे कि आपको भूख लगा तो बहुत ज्यादा खाना खा लिए, मतलब कि अब आपको शाम तक खाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बिल्कुल आप गलत करते हैं। मैं ये नहीं कहता आधा पेट खाइए, लेकिन जैसे कि अगर आपको 4 रोटी खाने की भूख है तो आप वहीं पर 3 रोटी खाइए, 1 रोटी 2 घंटे बाद फिर खाइएगा, और उसके बाद फिर 2-3 बजे के बाद फिर 2 रोटी खा लीजिएगा। मतलब कि अगर ऑफिस में आप जॉब करते हैं तब भी ये चीज आप कर सकते हैं, सुबह में खा के जाइएगा, लंच के लिए फिर लेके जाइएगा, शाम को आने के बाद फिर खा लीजिएगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो भी ये चीज कर सकते हैं, बहुत बेहतर है दोस्त, इसमें कोई भी चीज नहीं। और खाना खाते समय बहुत से लोग आपको वीडियो में बताते हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि खाना खाते समय पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही गलत। अगर यार आप खाना खाते समय अगर आपको हिचकी आ जाए तो बाय द वे खाना खाते खाते आपको हिचकी आने लगे तब आप फिर क्या करेंगे, तब भी पानी नहीं पिएंगे। यार ये चीज मैं बता रहा हूँ, खाना खाइए आप, पानी तब तक मत पीजिए जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो। कभी कभी गले पे ही खाना अटकने लगता है, ये भी चीजें होती है, तो ऐसा नहीं कि आप तब भी पानी मत पीजिए, बिल्कुल पी लीजिएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, उतना ही पानी पीजिए जितना वो खाने को अंदर गटक सके। तो दोस्त मैं स्वस्थ रहने के लिए यही चीज बता रहा हूं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। अगर इसके अलावा भी आपको और बेहतरीन रहना है तो मतलब ये ट्रिक हुआ, कहने का मतलब ये है अगर इन चीजों पे आप फॉलो करते हैं तो कंटिन्यू आपको कभी कोई दिक्कतें नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है, तो कोई जैसे गैस का प्रॉब्लम हुआ, चेहरे पे झुर्रियां आना, शरीर दुबले पुतले होना, मतलब ये सब समस्याएं आपको नहीं, आप अपने आप को एकदम मेंटेन महसूस कर सकते हैं, चुस्त दुरुस्त महसूस कर सकते हैं। तो दोस्त इस वीडियो में आज आपको स्वस्थ रहने के लिए आपका दोस्त ट्रॉफी खेल दी आप लोगों के साथ इस बात को शेयर कर रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो आप लोगों ने यहां तक देखा तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन की घंटी आएगी ऑल सेलेक्ट करके क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि हर दिन का नोटिफिकेशन नए वीडियो का मेरा आप लोगों तक पहुंचता रहेगा दोस्त, और नई नई जानकारियां अच्छी टिप्स के साथ आपको मिलती रहेगी।